व्हाट्स गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू YFL। बारिश का मौसम शुरू हो गया और बारिश की पहली YFL रेसिपी आ रही है। समोसे बना रहा हूँ आज, पंजाबी समोसे। अब समोसों में कई अलग अलग तरीके की फिलिंग डाली जाती है और ये वाले जो समोसे, पंजाबी समोसे जो होते हैं, उसमें वो एक ग्रीनिश ब्लैकिश कलर की फिलिंग होनी चाहिए। वो लाल मिर्च और हल्दी पाउडर वाली फिलिंग नहीं होनी चाहिए, लाल वाली। ये वाली जो फिलिंग है परफेक्ट बनती है। इसमें वो सौंफ, धनिया, कसूरी मेथी, काली मिर्च का फ्लेवर होता है और इतने डिलिशियस बनते हैं। इस वीडियो में समोसा एकदम खस्ता बने उसके सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा आपको। साथ ही में फिलिंग तो एकदम डिलिशियस वाली बताने ही वाला हूँ और फिर इसको फ्राई कैसे करना है वो बताऊंगा। तेल के अंदर भी फ्राई करने का एक तरीका होता है, लेकिन आपने थंबनेल जैसा देखा होगा तो तेल के बिना भी एयर फ्रायर में कैसे इसे फ्राई करना है बिना तेल के, वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो ओवरऑल बहुत ही डिलिशियस वाले समोसों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। समोसों की रेसिपी पहले भी शेयर कर चुका हूँ, वो ग्रीन वाले छोलों के साथ, जैसे वो मुंबई में साइन में मिलते हैं गुरुकृपा के समोसे जो बहुत ही डिलिशियस होते हैं। वो वाली वीडियो जो है पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आज का जो वीडियो, इसमें समोसा, साथ में चटनियाँ सर्व करूँगा, वो फ्राइड मिर्ची और साथ में कटिंग चाय, साथ में बारिश, और क्या चाहिए। तो समोसों के लिए एकदम परफेक्ट वाला डो कैसे लगाया जाता है जिससे खस्ता समोसे बने, वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल या परात में 2 कप मैदा, 1 टेबलस्पून रवा, 1 टीस्पून अजवाइन को ऐसे हाथों से क्रश करके ऐड कर दीजिए। साथ ही में 1 चुटकी नमक डाल दीजिए। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक बार ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं, तब इसमें हमें मोइन ऐड करना है, यानी कि 3 टेबलस्पून यहाँ पर घी ऐड करना है। घी ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर अभी अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मसलना है मैदे को और घी को। ये जो मोइन लगाने वाला स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जो समोसे हैं वो खस्ता बनते हैं। तो ये वाला जो स्टेप है अच्छे से कीजिए, एकदम अच्छे से मसलिए मैदे को और घी को। एक स्टेज ऐसा आएगा, आपका जो मैदा है वो थोड़ा सा क्रम्बली लगना शुरू हो जाएगा और इसको जब आप मुट्ठी में ऐसे साथ में दबाएंगे तो ये ऐसे मुट्ठी में जुड़ जाना चाहिए। ये जुड़ेगा अगर नहीं, यानी कि मोयन अच्छे से नहीं लगा, इसे और मसलिए। थोड़ा सा घी और अगर डालने की ज़रूरत पड़े तो आप डाल सकते हैं। तो आपने देखा मोयन मैंने लगा लिया अच्छे से आटे को। इस स्टेज पर इसमें भी पानी ऐड करना है। लगभग 100 ml पानी 2 कप आटे में यूज़ करता हूँ। थोड़ा बहुत पानी कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, तो धीरे धीरे पानी ऐड करके एक सख्त डो लगाना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सख्त होना चाहिए डो, इसी के लिए ठंडा पानी यूज़ कर रहा हूँ और साथ ही में धीरे धीरे इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ। एक बार आप देखेंगे जैसे ही आटा कंबाइन हो जाए, कोई भी सूखा आटा बचा नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हो 500 ml पानी के साथ शुरू किया था, 400 ml ही बचा है। तो एक बार आटा कंबाइन हो जाए, इसे प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करने के बाद 4-5 मिनट के लिए अच्छे से गूंदना है। गूंदेंगे तो आटा थोड़ा सा ढल जाएगा, एक साथ आ जाएगा और अच्छे से, और एक अच्छा समोसे का आटा रेडी हो जाएगा। तो 4-5 मिनट के लिए मैंने अच्छे से आटे को गूंद लिया है। आटा हमारा रेडी हो गया है। इसे अभी आपको ढक कर रेस्ट करने रख देना है लगभग आधे घंटे के लिए। तो आटा हमने रेस्ट करने रख दिया। ये आधे घंटे के लिए रेस्ट करना ज़रूरी है, आटा थोड़ा सा ढल जाता है, फिर से शेप करने में आसानी हो जाती है। मैदे का जब भी आटा लगाओ तो उसे थोड़ा रेस्ट करने रख दो, आसानी हो जाती है शेप करने में बाद में। आटा लगाते समय 2-3 चीज़ों का आपको ध्यान देना है। एक तो मैंने आपको बताया जो मोइन लगाते हैं, जो घी मिक्स करते हैं आटे के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से वो खस्तापन आता है समोसे के अंदर। वो स्टेप बराबर से नहीं करोगे तो खस्ता नहीं बनेगा समोसा, तो वो एकदम अच्छे से कीजिए स्टेप। साथ ही में ठंडा पानी यूज़ कीजिए, फ्रिज का पानी यूज़ कीजिए, तो उससे क्या है, एक सख्त आटा बनेगा, थोड़ा सा स्टिफ आटा बनेगा। वो बहुत ज़रूरी है समोसे अच्छे बनाने के लिए। कई बार आप देखोगे वो समोसों के ऊपर ना बहुत सारे ब्लिस्टर्स होते हैं, ऐसे बबल्स बन जाते हैं, वो मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है, पानी ज़्यादा हो जाता है आटे में, तब वो ब्लिस्टर्स आते हैं। आज आप देखोगे हमारे समोसों के ऊपर बिल्कुल भी वो ब्लिस्टर्स आएंगे नहीं, एकदम अच्छे समोसे, एकदम खस्ता समोसे बनेंगे। तो ये चीज़ों का ध्यान दीजिए, आपके समोसे हमेशा अच्छे बनेंगे। तो आटा रेस्ट करने रख दिया है, तब तक जो मसाला है, जो फिलिंग है समोसे की, वो तैयार कर लेते हैं। तो एक छोटे मिक्सर ग्राइंडर में 2 इंच अदरक, 3 से 4 तीखी वाली हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डाल के आपको अदरक और मिर्च की एक पेस्ट तैयार कर लेनी है। ये जो फिलिंग है इसमें अदरक का अच्छा वो फ्लेवर होना चाहिए और जो तीखापन है वो हरी मिर्च और काली मिर्च से आएगा। इसमें लाल मिर्च बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। तो आप देख सकते हो मैंने अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट तैयार कर ली है। इस पेस्ट को भी साइड में रख दीजिए। अब कुछ सूखे मसाले हमको कूटने हैं, तो एक हमाम दस्ते में 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड कर दीजिए। इन मसालों को भी आपको दरदरा कूट लेना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा कूटना है। और जब भी समोसा खाएंगे बीच बीच में थोड़े वो मसाले आने चाहिए, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने कूट लिए। ऐसे ही दरदरा इस मसाले को कूट लीजिए और अब साइड में रख दीजिए। अब फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 7 से 8 उबले हुए आलू ले लिए, मैंने छिलका उतार दिया, इन्हें कट करना है। तो इन्हें ऐसे रफली आपको ऐसे मोटे मोटे डाइसेस में कट कर लेना है। आप आलू को मैश नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे आलू जो हैं उन्हें इसी तरीके से काट लीजिए। एक बार आपने आलूओं को काट लिया है, उसके बाद फिलिंग कैसे बनानी है वो देख लेते हैं। तो एक पैन या कढ़ाई के अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर दीजिए। फिलिंग बनाने के लिए देसी घी यूज़ कीजिए, तेल का इस्तेमाल मत कीजिए, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। घी एक बार गर्म हो जाए तब जो मसाले हमने कूटे थे उन मसालों को आपको ऐड कर देना है। मसाले ऐड करके लो फ्लेम पर ही लगभग 1 मिनट के लिए मसालों को आपको भून लेना है। मसालों को आपने एक बार भून लिया, तब जो अदरक मिर्ची की हमने पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर दीजिए और लो या मीडियम लो फ्लेम पर ही 1 से 2 मिनट के लिए अदरक और मिर्च को भी थोड़ा सा आपको मसालों के साथ भून लेना है। एक बार आपने अदरक और मिर्च को भी भून लिया है, तब इसके अंदर जो आलू हमने काटे थे वो आलू ऐड कर दीजिए। साथ ही में यहाँ पर मैंने 1/3 कप उबले हुए हरे मटर ऐड किए हैं, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 बड़ी चुटकी चाट मसाला, 1 लार्ज चुटकी काली मिर्ची। काली मिर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को भून लिया था, इसे क्रश करके इस तरीके से ऐड कर दो और लास्ट में थोड़ा सा ताज़ा कटा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दो। ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक बार सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, फ्लेम को एकदम हाई पे कर दो। फ्लेम को हाई करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा करछी को चलाना नहीं है। इसी तरीके से हाई फ्लेम पर आपको थोड़ा सा पकाना है फिलिंग को। जो आपके आलू हैं वो हल्के हल्के वो पैन के ऊपर लग जाने चाहिए, थोड़ी सी वो खुरचन नीचे बननी चाहिए। वो जब भी आलू लग जाएंगे ना पैन को, उसका जो फ्लेवर है, जो भुनेगा आलू, वो फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इस फिलिंग में। तो 2-3 मिनट तक हाई फ्लेम पर भुना, फिर इसको एक बार स्टर कर दो, फिर दूसरे साइड से भी थोड़ा सा और लगने दो। ऐसे 2-3 बार इस प्रोसेस को करके लगभग 7-8 मिनट के लिए आलूओं को अच्छे से आपको भूनना है। एक बार आपने आलूओं को अच्छे से भून लिया है, तब एक पोटैटो मैशर लेके आपको थोड़ा थोड़ा सा मैश कर देना है। एकदम पेस्ट नहीं बना देनी आलू की, थोड़े थोड़े पीसेस भी होने चाहिए आलू के, थोड़ा आलू मैश हो जाना चाहिए। ऐसा टेक्सचर होना चाहिए आपके आलू के फिलिंग का। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने आलूओं को मैश कर लिया है। इस स्टेज पर आपको टेस्ट कर लेना है इस फिलिंग को। टेस्ट करके आपको नमक और मसाले अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर ही एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि एक बार समोसे आप शेप कर देंगे तब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक, चाट मसाला और काली मिर्च एडजस्ट कर ली है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद फिर से टेस्ट कर लीजिए और हमारा जो मसाला है वो एकदम परफेक्ट टेस्ट कर रहा है। मसाला हमारा रेडी हो गया है। इस मसाले को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए और रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लीजिए। तो समोसे की फिलिंग हमने बना ली। आपने देखा आसान है काफ़ी बनाना, मसाले भी बेसिक पड़ते हैं। लाल मिर्च और हल्दी पाउडर बिल्कुल भी नहीं डालना है। वो लाल वाली फिलिंग जो है समोसों के लिए नहीं बनानी है। जो पंजाबी समोसा होता है या जो सिंधी लोग भी समोसा बनाते हैं, उसकी ये जो फिलिंग है इसी तरीके का कलर होता है, थोड़ा सा ग्रीनिश और थोड़ा सा ब्लैकिश। वो काली मिर्च और मसालों की वजह से और वो कसूरी मेथी, हरी मिर्च और वो धनिए की वजह से थोड़ा थोड़ा वो हरा और ब्लैक कलर आ जाता है और इस फिलिंग का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ऐसी ही फिलिंग बनाइए। अगर आप मुंबई में वो साइन वाला आपने समोसा खाया या वो थिएटर वाला समोसा खाया, तो यही फिलिंग होती है और बहुत ही डिलिशियस लगती है। तो फिलिंग इसी तरीके से बनाइए। तो फिलिंग हमारी रेडी हो गई है। एक बार ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, हमारा आटा भी रेस्ट हो चुका है, उसके बाद इसे शेप कैसे करते हैं एकदम परफेक्टली, बहुत आसान तरीका है। मैं एकदम आसानी से आपको बताऊँगा समोसों को शेप कैसे करना है, वो देख लेते हैं। तो आटे में से आपको एक पोर्शन आटे का ले लेना है एक डो बॉल बनाने के लिए और बाकी आटे को आप ढक कर ही रखिए, नहीं तो वो आटे का सरफेस सूख जाता है। अब इस आटे के पोर्शन को आपको अच्छे से हाथों के बीच में घुमाकर एक राउंडल तैयार कर लेना है, एक आटे का पेड़ा बना लेना है। एक बार आटे का पेड़ा आपने बना लिया, उसके बाद आपको इस पर सूखा आटा या तेल लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, इसे ऐसे ही बेलना है। तो इसको आपको अभी बेलना शुरू करना है। पहले आप देखोगे इसको बेलते वक्त हल्का सा राउंड ही पहले बेल रहा हूँ। एक बार इस तरीके से आपने बेल लिया, तो इसको भी एक ही तरफ से थोड़ा सा लंबा बेलना है, एक ओब्लॉन्ग शेप में बेलना है। थोड़ी एक लंबी सी चपाती बनानी है, गोल चपाती नहीं बनानी है। क्यों ऐसे बनानी है आपको देखेंगे, इसको हम 2 पार्ट में बाद में डिवाइड करने वाले हैं। एक बार आपने इस तरीके का शेप बना लिया है, आप देख सकते हो शेप कैसा है हमारी शीट का, और थिकनेस भी आप देख सकते हो थिकनेस कितनी है। एकदम चपाती वाली ही थिकनेस होनी चाहिए, पतली सी आपको एक शीट तैयार करनी है। उसके बाद बीच में इस तरीके से आपको इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ से इस तरीके से डिवाइड कर लो, आपको ऐसे 2 पोर्शंस मिल जाएंगे। 2 पोर्शंस आपको एक बार मिल जाएं, इससे 2 समोसे आप बना सकते हो। पहले मैं आपको एक समोसा यहाँ पर शेप करके बता देता हूँ। अब आपने एक बार इस तरीके से एक शीट को ले लिया है, तो थोड़ा सा पानी ले लीजिए। पानी लेकर इस तरीके से आपको एजेस पे पानी लगाना है। एक बार आपने अच्छे से पानी लगा लिया, इससे क्या समोसा चिपक जाएगा हमारा बाद में। ये जो 2 कॉर्नर्स है, ये 2 कॉर्नर्स को आपको इस तरीके से साथ में लाना है और एक कोन तैयार करना है। तो ऐसे दोनों कोनों को साथ में ले आइए। एक बार साथ में ले आए, तो ये जो बीच में एक जो आपको सीम मिल रही है इसको आपको चिपकाना है, उसको ऐसे प्रेस करते हुए आपको सील करना है, अच्छे से प्रेस करते हुए सील कर दीजिए, अच्छे से चिपक जाना चाहिए, नहीं तो समोसा क्या है खुल जाएगा तेल में डालने के बाद। एक बार आपने इसको इस तरीके से सील कर लिया है तो इसका जो कोना है, जो टॉप है, जो टॉप कॉर्नर है, उसको भी इस तरीके से अच्छे से पिंच करके आपको सील कर लेना है। पिंच करने के बाद आपने सील कर लिया है तो ऐसे एक कोन तैयार हो जाएगा। कोन तैयार हो गया तो आपने एक हाथ में ऐसे आपको जगह बनाकर इस कोन को ऐसे फिट कर देना है। जो बड़ा वाला हिस्सा है, गोल वाला हिस्सा है, लंबा वाला हिस्सा है, वो आपके दूर वाली तरफ होना चाहिए और जो सील्ड वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इसके अंदर अभी आपको फिलिंग डालनी है तो थोड़ी थोड़ी फिलिंग इसमें डालिए, ऐसे थोड़ा फिलिंग को छुट्टा छुट्टा करके डालिए। फिलिंग आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं भर देनी है और कम भी नहीं भरनी है, मॉडरेट अमाउंट में आप फिलिंग इसमें भरेंगे। फिलिंग आपके एकदम कोने तक, नीचे तक जानी चाहिए। एक बार आपने फिलिंग डाल दी है तो हल्का हल्का इसको नीचे पुश कीजिए, नहीं तो एयर पॉकेट रह जाता है समोसे के अंदर। एक बार आपने फिलिंग को इस तरीके से अच्छे से भर लिया है, फिर से किनारों पे आपको पानी लगा लेना है। पानी लगाने के बाद ये आगे का जो हिस्सा, ये सेमी सर्कल वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है, इसको ऐसे बीच में इस तरीके से आपको फोल्ड बनाना है। ये फोल्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपने फोल्ड बनाया। फोल्ड बनाने के बाद इस हिस्से को अपनी तरफ इस तरीके से ले आइए। एक बार इसे इस तरीके से आपने अपनी तरफ ले आया है, फिर से आपको ये जो सीम है इसको अच्छे से पिंच करते हुए अच्छे से सील कर लेना है। आप इसको अच्छे से दबाएंगे ताकि जो दो लेयर्स मिलके जब जुड़ेंगे तो एक लेयर जितना पतला हो जाना चाहिए। इसको जब भी आप अच्छे से दबाओगे अच्छे से सील भी हो जाएगा और इस तरीके से शेप पकड़ लेगा। एक बार आपने इसे सील कर लिया है तो समोसे को चेक करने के लिए इसे अपने हाथ पे बिठाइए। देखो एकदम परफेक्ट हमारा समोसा बन गया है। समोसा ऐसे बैठ जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बस जब तक आप बाकी समोसे शेप कर रहे हैं तब तक समोसों को आपको एक गीले मलमल के कपड़े से ढक कर रखना है ताकि इनका सरफेस जो है वो ड्राई आउट नहीं हो जाए। इसी तरीके से बाकी समोसों को भी आपको शेप कर लेना है। तो समोसों की शेपिंग आपने देख ली कैसे किया जाता है, बहुत आसान है। अगर एक बार देखने में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तो फिर से थोड़ा रिवाइंड करके फिर से एक दो बार देख लीजिए। वो जो फोल्ड्स मैंने बताए, दो तीन चीज़ें ही हैं इंपॉर्टेंट, वो एक दो बार आप करेंगे तो हाथ आपका बैठ जाएगा और परफेक्ट समोसे बनते हैं। समोसे बहुत छोटे भी मत बनाओ, बहुत ज़्यादा बड़े भी मत बनाओ। जैसे मैंने एक मीडियम साइज़ के समोसे बनाए, इन्हें फ्राई करने में भी आसानी होती है और खाने में भी मज़ा आता है। वो जो डो टू फिलिंग वाला रेशियो एकदम परफेक्ट होता है, तो इसी साइज़ के समोसे बनाए। एक बार आपने सारे समोसे बना लिए हैं, अगर कुछ देर के बाद इन्हें आप फ्राई करने वाले हो तो आपने देखा होगा शेप करते टाइम मैंने एक गीले मलमल के कपड़े से इसे ढक के रखा था। वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेप, गीले मलमल के कपड़े से ढक कर रखिए, नहीं तो समोसे का जो सरफेस है वो ड्राई हो जाता है और फ्राई करने में फिर दिक्कत होती है। तो गीले मलमल के कपड़े से आप ढक के रखेंगे, भले आप 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद फ्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समोसे एक बार आपके शेप हो गए। आज मैं 2 तरीके से आपको इन्हें पकाने का तरीका बताने वाला हूँ। पहला तरीका तो ट्रेडिशनल तरीका है, तेल में से फ्राई करेंगे। बहुत जगहों पर डालडा में फ्राई किया जाता है, देसी घी में भी फ्राई किया जाता है। घर पे तेल वाला जो हिसाब है थोड़ा सा आसान हो जाता है। आपको अगर डालडा या देसी घी में फ्राई करने आप कर सकते हो। डालडा में प्रेफर नहीं करता हूँ, देसी घी में करना चाहते हो तो कर सकते हो। और उसके बाद फिर एयर फ्रायर में बिना घी तेल के कैसे फ्राई करते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो फ्राइंग का जो प्रोसेस है इसका वो देख लेते हैं। तो एक मोटे तले की कढ़ाई में आपको तेल ले लेना है। तेल की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, बस समोसे उसके अंदर डूब जाएं, बस उतना सा ही तेल आपको लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल का जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। आपके पास अगर एक इंफ्रारेड थर्मोमीटर है तो उससे चेक कर लीजिए। अगर नहीं है तो आपका तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, मॉडरेटली हॉट ऑयल आपको लेना है। एक बार आपने मॉडरेटली हॉट ऑयल ले लिया है तो इनिशियली हाई फ्लेम पर ही आप समोसों को ऐड करेंगे। तो धीरे धीरे करके केयरफुली इसमें समोसे ऐड कर दीजिए। आप 1-2 समोसे एक साथ खाली नहीं फ्राई करेंगे, कम से कम 4-5 समोसों को एक साथ फ्राई कीजिए। जो हीट है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है फ्राई करते समय। स्टार्टिंग में 1-1.5 मिनट के लिए आपको करछी नहीं चलानी है, बाहर से समोसों को पकने देना है। 1-1.5 मिनट के बाद आप करेंगे क्या, फ्लेम को एकदम लो पे कर देंगे और करछी चलाना शुरू करेंगे। तो करछी चलाना शुरू कीजिए एकदम आराम आराम से, इस तरीके से एकदम हल्के हाथों से। करछी चलाने से होगा क्या, समोसे थोड़े यहाँ वहाँ घूमेंगे, चारों तरफ से अच्छे से पकेंगे। बीच बीच में पलटाते रहिए, बीच बीच में करछी घुमाते रहिए और एकदम लो फ्लेम पर आपको समोसों को तलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लो फ्लेम बहुत इंपॉर्टेंट है। लो फ्लेम पे नहीं तलोगे, हाई फ्लेम पर तलोगे तो बाहर से समोसे कलर पकड़ जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे और खस्ता नहीं बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, लो फ्लेम पर आराम आराम से फ्राई कीजिए। लगभग 15 मिनट लग जाते हैं समोसों को फ्राई करने के लिए, तो एकदम पेशेंटली आराम से करछी चलाते हुए समोसों को लो फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए जब तक कि ये बिस्किट रंग के नहीं हो जाते हैं या डार्क गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो मैंने एकदम धीरे धीरे से आराम से लो फ्लेम पर समोसों को फ्राई कर लिया है। इस स्टेज तक आपको फ्राई कर लेना है, ऐसा कलर आ जाना चाहिए, एकदम परफेक्ट समोसे बने। देखो एक भी ब्लिस्टर ऊपर नहीं आया है, एकदम खस्ता समोसे हमारे बने हैं। एक झारे से समोसों को निकाल लीजिए, एक्सेस ऑयल को निकलने दीजिए। एक बार ऑयल निकल जाए तो इसे एक जाली पर एक छन्नी में ट्रांसफ़र कर दीजिए, ताकि अगर एक्स्ट्रा कुछ भी ऑयल हो तो इसमें से निकल जाए। और एकदम गर्मा गर्म हमारे खस्ता समोसे रेडी हो गए हैं। तो समोसे आपने देखे हमारे एकदम परफेक्ट तरीके से बने, कोई ब्लिस्टर नहीं आया ऊपर, एकदम कलर भी परफेक्ट आया है, अंदर तक एकदम खस्ता बने, अंदर से भी वो जो लेयर होती है डो की वो कच्ची नहीं रहेगी और बहुत माइंड ब्लोइंग समोसे बनते हैं। तो इसी तरीके से आपको फ्राई करने हैं समोसे। एक बार आपने फ्राई करके निकाले, इमीडिएटली सर्व मत कीजिए, 5-6 मिनट 10 मिनट का रेस्ट दीजिए। समोसे गर्म ही रहते हैं, एकदम इमीडिएटली खाओगे तो रेस्ट नहीं मिलेगा तो फ्लेवर नहीं आएगा। तो 10 मिनट का रेस्ट, उसके बाद सर्व करो चटनी के साथ, मिर्ची ले लो। छोले बनाने हो ग्रीन वाले तो लिंक नीचे आपको मैंने पहले बता दिया था, वो लिंक पे क्लिक करके छोले भी बना सकते हो। समोसे छोले साथ में पाओ, मज़ा आ जाता है खाने में। अब ये तो हो गया तेल वाला मेथड। अभी हमारा मेथड बचा है जो बिना तेल के हमको एयर फ्राई करने हैं। अभी एयर फ्रायर अगर आपके पास है तो उसकी सेटिंग्स तो आपको बता ही रहा हूँ। अगर ओवन है तो ओवन में एक चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कि ओवन में आपके फ़ैन होना चाहिए। अगर फ़ैन नहीं है ना तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ओवन में बेक करने के लिए, क्योंकि वो एयर सर्कुलेशन नहीं होती है तो समोसे बराबर से बेक नहीं होते। तो फ़ैन चलाना है, फ़ैन वाले मोड पे आपको 180 डिग्री सेल्सियस पे रखना है। एयर फ्रायर भी है तो उसको 180 डिग्री सेल्सियस पे आपको प्री हीट करके डालना है, प्री हीटेड ओवन या प्री हीटेड एयर फ्रायर में डालना है। मैं आज एयर फ्रायर यूज़ कर रहा हूँ, एयर फ्रायर में समोसे कैसे फ्राई होते हैं वो देख लेते हैं। तो एयर फ्रायर को मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर प्री हीट कर लिया है। अब एयर फ्रायर की बास्केट में समोसों को प्लेस कर दीजिए। हल्का सा ब्रश से आपको ऊपर ऑयल या घी अप्लाई कर देना है, ताकि बाहर से सरफेस जो है इसकी आसानी से फ्राई हो सके। बास्केट को एक बार एयर फ्रायर में डाल दिया, लगभग 20 से 25 मिनट यहाँ पर आपको लगेंगे समोसों को एयर फ्राई करने के लिए। अब एयर फ्रायर में समोसे फ्राई करने के 2-3 फ़ायदे हैं, 2-3 नुकसान हैं। तो फ़ायदे ये हैं कि एक तो आप डीप फ्राई नहीं कर रहे हो, ऑयल बहुत कम लगता है, कुछ ड्रॉप्स ही ऑयल के आप ऊपर ब्रश करते हो, तो ये फ़ायदे हैं। क्रिस्पी भी उतने ही बनेंगे, एकदम परफेक्टली क्रिस्पी बन जाते हैं। नुकसान ये है कि आप एक टाइम पे कम समोसे फ्राई कर सकते हो, तो 2, 3 या 4 मैक्स समोसे आप बास्केट में डाल पाओगे। और दूसरा नुकसान ये कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लगभग 25 मिनट लग जाते हैं। इसके अलावा कोई नुकसान नहीं है। बीच में आप चाहें एक बार 10-15 मिनट हो जाए, बास्केट को निकाल कर समोसों को पलटी कर सकते हैं कि इवनली फ्राई हो जाए सब जगह से। 20-25 मिनट के बाद एकदम परफेक्टली क्रिस्पी खस्ता समोसे आपके फ्राई हो जाते हैं। चेक कर लेते हैं, 20-25 मिनट हो चुके हैं, एयर फ्रायर वाले समोसे कैसे फ्राई हैं वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो समोसे हमारे एकदम परफेक्ट कलर आ गया है, उसको एकदम परफेक्टली क्रिस्पी और खस्ता हो गए हैं। तो साइड बाय साइड कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ, एयर फ्राइड वाला समोसा और तेल में फ्राई किया हुआ समोसा। तो पहला एयर फ्रायर वाला समोसा आपको तोड़ के बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हो एकदम परफेक्टली क्रिस्पी बना है, अंदर तक एकदम अच्छे से जो कोटिंग है वो पक चुकी है, एकदम परफेक्ट समोसा हमारा बना है एयर फ्रायर में। आपको तेल वाला भी समोसा दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो तेल वाला समोसा भी हमारा एकदम परफेक्टली अंदर तक पक चुका है, एकदम अच्छे से क्रिस्पी और खस्ता हो गया है। तो दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बता दिया है, तेल के साथ और बिना तेल के समोसे। तो इस बारिश के सीज़न में बिना तेल के भी समोसे आप खा सकते हो। समोसे हमारे रेडी हो गए हैं, साथ में कटिंग चाय रेडी है, थोड़ी सी मिर्ची को फ्राई करके नमक लगा के रखा है, चटनियाँ बना ली है। लेट्स प्लेट आर पंजाबी समोसाज वाइफल स्टाइल। मज़ा आ गया आज ये समोसे खाने में, साथ में वो कटिंग चाय, चटनी, हरी मिर्ची और एकदम परफेक्ट टाइम पे आज बारिश भी आ गई। बारिश में समोसे खाने का जो मज़ा है कुछ और ही है। और अकेले मत खाओ, आपको शॉर्ट्स में तो दिख रहा होगा कि मैं अकेले खा रहा था, बट पूरी टीम ने साथ में खाए समोसे और मज़ा आ गया। आज शायद दूसरा बैच भी बनने वाला है। आप बाहर से मंगा के तो बारिश के टाइम समोसे खा सकते हो, लेकिन खुद के बनाए हुए समोसे हो और ये वाली रेसिपी से जो बनाए हुए समोसे हो, वो खाने में जो आपको मज़ा आएगा ना, बारिश में आपके चार चांद लग जाएंगे। सो ट्राई दिस रेसिपी ड्यूरिंग दिस मॉनसून सीजन। बारिश में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करो। मुझे कमेंट्स बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मॉनसून की दूसरी रेसिपीज़ आप सबके लिए क्या बनाऊँ, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बनाओ। आई लव टू कुक दोज रेसिपीज़ फॉर यू ड्यूरिंग दिस मॉनसून सीजन। शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटिफुल samosa recipe at your home. Happy monsoons to all of you. Cheers.